नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर हुआ भीषण विमान हादसा। हादसे के बाद मिनटों में खाक हुआ बांग्लादेश का विमान। नेपाल के काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक यात्री विमान क्रैश हो गया। ये विमान बांग्लादेश की यूएस बांग्ला एयरलाइन का था। बताया जा रहा है कि विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में जाकर गिरा। हालांकि इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के वक्त विमान में 67 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल एयरपोर्ट के प्रवक्ता की माने तो हादसे में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी तक 25 घायलों को भी बचाए जाने की खबर सामने आ रही है। उधर हादसे में बुरी तरह से जल जाने की वजह से मारे गए लोगों के शवों की शिनाख्त बेहद मुश्किल है। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर दूसरे विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया है। रेस्क्यू टीम फिलहाल एयरपोर्ट पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक 14 यात्रियों को करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और यही वजह है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक विमान में 37 पुरुष, 27 महिलाएं और 2 बच्चे सवार थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा लैंडिंग के वक्त बैलेंस बिगड़ जाने से हुआ है। विमान को रनवे के दक्षिण तरफ से लैंड करने की अनुमति थी, लेकिन विमान उत्तरी तरफ से लैंड करने लगा, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान झुक गया और उसमें आग लग गई और फिर वो पास के फुटबॉल ग्राउंड में जा गिरा। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। आपको बता दें कि इस विमान ने ढाका से उड़ान भरी थी और दोपहर 2:20 पर काठमांडू में लैंड करने वाला था। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।